इस वक्त मैं उधमपुर हाईवे पर हूँ और मेरे कुछ मिनट की दूरी पर जजर कोटली है। मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ इस वक्त सबसे पहले बाहू एक्सप्रेस के माध्यम से। हालांकि हम वहाँ पर थे ऑन स्पॉट, मैं उस न्यूज़ को कवर करने लगा था लेकिन हमें वहाँ से कवरेज नहीं करने दिया गया, रोक दिया गया। ये कहा गया कि हर अथॉरिटीज़ जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपको जानकारी जो है वो देंगे। एक बड़ी कंसाइनमेंट ड्रग्स की जिसमें हीरोइन बताया जा रहा है, लगभग क्वांटिटी जो है वो 50 केजी से ज़्यादा है और उसकी कीमत जो है अगर मैं बात करूं तो 50 करोड़ तक की कीमत जो है बताई जा रही है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। और ये कंसाइनमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उसने पकड़ा है और अभी उसकी जो है वो पैकिंग की जा रही है, उसको तमाम चीज़ें जो है वो खंगाली जा रही हैं और अरेस्ट जो है इसके चलते वो भी हुए हैं। इसके बड़ी मछली कौन है, पीछे से कहां से चल कर आई, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आज शाम 6 बजे की जाएगी पुलिस लाइन के अंदर उसमें पता चलेंगी। लेकिन मैं इतना जरूर बताऊँगा कि जो सबस्टांस पकड़ा गया है उसकी क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है और उसकी कीमत जो है वो 50 करोड़ के लगभग बताई जा रही है। इतना बड़ा कंसाइनमेंट आखिरकार कहाँ जा रहा था और इसके पीछे किसके हाथ हैं, ये पता लगाना बहुत ही अनिवार्य हो जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वहाँ पर है, INTF जो है वो वहाँ पर है, मैजिस्ट्रेट की बात करूँ वो वहाँ पर हैं। ये विजुअल्स जो आप मेरे साथ में देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कुछ विजुअल्स हैं जो मैंने वहाँ से लेने के प्रयास किया क्योंकि हमें वहाँ से कोई भी रिकॉर्डिंग, कोई भी जो खबर थी वो करने से मना किया गया। साफ तौर पर कहा गया कि अभी हम कोई भी जो है बयान ऐसे नहीं देंगे क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर है, हायर अथॉरिटी से ऑर्डर है कि हम कोई भी बयान जो है ना ही। लेकिन मैं आपको इतना बताऊंगा कि ये साफ तौर पर कहा है और ये विजुअल्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लाइव विजुअल्स हैं, वहाँ के विजुअल्स हैं और मेरे कुछ दूरी यहाँ से कुछ दूरी पर ही जजर कोटली है, वहाँ पर ये कंसाइनमेंट को पकड़ा गया है। सुबह लगभग ये कंसाइनमेंट पकड़ा गया था, तब से अभी तक जो है इसकी क्वांटिटी को जो है वो मेजर किया जा रहा है। इतनी बड़ी कंसाइनमेंट जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो पकड़ी है, अब उसके ऊपर प्रेस वार्ता जो है वो चंदन कोहली करेंगे, क्या कुछ कहते हैं, क्या कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितनी एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी थी, एग्जैक्ट प्राइस जो है इसका वो क्या था और क्या ये हीरोइन जो है इसे किस गाड़ी में लाया जा रहा था और कहाँ तक लेके जाना था, ये तमाम चीज़ें जो हैं शाम तक क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जजर कोटली हाईवे जो है वहाँ पर एक बड़ी खेप जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को पकड़ी गई है उनके द्वारा और इसमें हीरोइन जो है वो बताया जा रहा है जिसकी क्वांटिटी लगभग 50 केजी से ज़्यादा बताई जा रही है। उसकी इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस रहेगा वो 50 करोड़ से ज़्यादा का प्राइस जो है वो बताया जा रहा है। बड़ी खबर है, नेशनल हाईवे से आ रही है उधमपुर से और ये इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करूँ उनके सहयोग से INTF जो है वहाँ पर है, मैजिस्ट्रेट यहाँ पर है, तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है और साफ तौर पर आप दी रिकॉर्ड ये कहा गया है, हमसे ये बताया गया है कि हम जो हैं इसमें अभी बयान इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अभी कितने लोग इसमें शामिल हैं उन सबको दबोचना बहुत अनिवार्य है और वो पूछताछ के बाद जो है वो पता चलेगा। शाम को SSP जो हैं वो प्रेस वार्ता करेंगे, उस प्रेस वार्ता में वो क्या कुछ कहते हैं ये देखने की बात रहेगी। लेकिन एक बड़ी खेप, बड़ी कंसाइनमेंट जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो पकड़ी है और जम्मू उधमपुर नेशनल हाईवे जो कोटरी के पास वहाँ पर सुबह से ही ये मेजरमेंट चल रही है, कितनी क्वांटिटी उसकी है, एग्जैक्ट प्राइस क्या होगा वो तमाम चीज़ें जो है बताएंगे। लेकिन सोर्सेज जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि क्वांटिटी लगभग 50 केजी के पार है और प्राइस जो है वो 50 करोड़ लगभग बताया जा रहा है इस कंसाइनमेंट का जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ा है। बड़ी अपडेट आप लोग तक साझा कर दी है जम्मू कश्मीर पुलिस की, इस कामयाबी को आप किस तरीके से देखते हैं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रही बाहू एक्सप्रेस पर। अजय डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।